नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश आए दिन भर के। हिमाचल में चार दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट, 23 फरवरी तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। आज राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार कल और परसों प्रदेश में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 20 और 21 फरवरी को भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी है। बता दें, पूरे प्रदेश में 23 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। बारिश से गेहूँ और बर्फबारी से सेब की फसल को संजीवनी मिल सकती है। उधर मौसम विभाग की ओर से बारिश बर्फबारी के अलर्ट के बाद कुल्लू, लाहौल और किन्नौर जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों और सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं प्रशासन ने ऊंचे बर्फीले और संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी है। हिमाचल के बजट में 7 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा, 3 नीतियाँ भी बनेंगी। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं दे रहे सभी वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अपना विद्यालय मेरा सम्मान और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी। वहीं सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पहल करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, ओलंपिक गोल्ड विजेता को 5 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। रजत पदक जीतने पर 2 की जगह 3-3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को 1 की जगह अब 2 करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पर 30 से 2.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह 3 करोड़, रजत पर 30 लाख की जगह 2 करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब 2.20 करोड़ हुई विधायक निधि, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन की प्राथमिकता देंगे विधायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में विधायक प्राथमिकताओं में भी बड़ा बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2024-25 से प्राथमिकताओं में विधायकों द्वारा सड़कों, पुलों, पेयजल योजना अथवा लघु सिंचाई योजनाओं की 3 वास्तविक नई स्कीमों की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में से 1 प्राथमिकता किसी भी पूर्व निर्मित स्कीम के रख रखाव को लेकर दी जा सकेगी। 5वीं प्राथमिकता HRTC के वर्तमान रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने तथा चार्जिंग स्टेशन बनाने से संबंधित होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू वाराणसी रवाना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बजट भाषण के बाद अचानक वाराणसी रवाना हुए। बताया जा रहा है कि सुक्खू कल वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद शिमला से पहले दिल्ली गए और वहां से वाराणसी के लिए उड़ान भरी। सुक्खू राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दूसरी बार शामिल होंगे। बता दें, इससे पहले 14 जनवरी को जब न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी तब सुक्खू राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल रहे। जानकारी के मुताबिक सुक्खू परसों वाराणसी से वापस लौट सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया 58,444 करोड़ का बजट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपए अनुमानित है।
बता दें राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि प्रदेश के उत्पाद का 4.75% है। 2024-25 के बजट के अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज अदायगी पर 11, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। विकास दर 7.1 रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये है। सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये अनुमानित है। 6,000 प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 6,000 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए इन्हें ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। बीते कई वर्षों से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती लटकी है। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा 9,560 करोड़ रुपये के बजट का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में ऐलान किया। वहीं पिछले कल मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। 500 प्राइमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और 50 कॉलेजों को इसमें शामिल किया जाएगा। इन संस्थानों में शिक्षकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई। जयराम ने बजट को किया सिरे से खारिज, जाने किसने क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के दूसरे बजट को सिरे से खारिज किया है। कहा कि बजट में फिर से झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले झूठ बोला और सत्ता में आने के बाद पहले बजट में किए गए वायदे के अनुसार कार्य नहीं हो पाए हैं। अब दोबारा झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी गुमराह करने के लिए प्रयास किया गया, किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है। कर्मचारियों को 1 मार्च से होगा एरियर का भुगतान, अप्रैल से महंगाई भत्ते की किस्त। सुक्खू ने विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख करने की घोषणा की। सीएम ने विधायक प्राथमिकताओं की रूपरेखा में बदलाव का ऐलान किया। विधायक 23 प्राथमिकताएं दे सकेंगे। विधायक प्राथमिकता के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 30 करोड़ बढ़ाकर 175 से 195 करोड़ करने की घोषणा की। विधायक क्षेत्र विकास निधि प्रति विधानसभा क्षेत्र 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा की। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी से संबंधित बकाया का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। कहा कि सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम 2 बार LTC की सुविधा मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।